हेलो गाइस, कैसे हैं आप गाइस। लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें मैंने एक पहला केस बताया था आपको, जिसके अंदर मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे कि प्रोडक्ट मेथड से कैसे करना है और सिंपल या शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है। तो आज मैं आपको अगला केस कराने जा रहा हूँ, केस सेकेंड। इफ amount is withdrawn on last date of every month, कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की लास्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। जो पिछला केस मैंने करवाया था उसमें था कि हर महीने की पहली तारीख, अब क्या है, हर महीने की आखिरी तारीख। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक्स विड्रू रुपीज 100 पर मंथ ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्वेश्चन आपको पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट, कि एक्स ने हर महीने की लास्ट डेट को 100 रुपीज विड्रॉ किए और हमें पूरा इंटरेस्ट साल का निकालना है। ठीक है, तो अगेन यहां पे वही कहानी है कि अगर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो पहली ड्राइंग करेगा, पहले हम 11 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 10 महीने का, फिर 9 महीने का। तो इससे मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो आसान तरीके से जैसे हमने पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम इसको एक टेबल बना के करेंगे, वैसा ही इसके लिए भी अप्लाई करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डेट अमाउंट मंथ और प्रोडक्ट बना लिए चार कॉलम। प्रोडक्ट का मैंने मतलब पहले भी सिखाया था कि अमाउंट इनटू मंथ जो करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि हर महीने की लास्ट तारीख, अगेन मैं कैलेंडर ये ले रहा हूँ जनवरी से दिसंबर। अब जनवरी की लास्ट क्या होगी, लास्ट डेट जनवरी की क्या होती है, 31 जनवरी, राइट। अमाउंट कितना विड्रॉ किया क्वेश्चन में, 100 रुपीज। अब मैंने कहा था यहां से लेके जब ईयर एंड हो रहा है वहां तक के हमने मंथ्स काउंट करने हैं, तो जनवरी से दिसंबर, लेकिन याद रखो ये 31 जनवरी है, इसका मतलब महीना खत्म हो गया है, लास्ट डेट है। तो अब लास्ट डेट यानी एक महीना निकल चुका है, साल में 12 ही महीने होते हैं, एक महीना कम हो गया तो कितने महीने बचे, 11 महीने। और प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा था दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है। सेकेंड 28 फरवरी अमाउंट कितना है, 100। अब मंथ कितने बचे, एक कम हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, 1000। फिर 31 मार्च अमाउंट अगेन कितना है, 100। मंथ कितने रह गए, 9, कितना हो गया, 900। फिर 30 अप्रैल अमाउंट अगेन सेम, मंथ एक एक कम होता जाएगा, 800। फिर 31 मई 100, मंथ कितने बचे, 7, कितना हो गया, 700। फिर 30 जून 100, 600। उसके बाद 31 जुलाई हो गया 500। फिर 31 अगस्त फिर 30 सितंबर सेम अमाउंट, मंथ रहेंगे 300। फिर 31 अक्टूबर मंथ बचे 2, यहाँ 200 हो जाएगा। फिर 30 नवंबर और उसके बाद 31 दिसंबर। तो जब 31 दिसंबर आएगा, तो क्योंकि ये ईयर एंडिंग है, 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे तो साल ख़त्म हो रहा है, तो मंथ इसके बाद तो कोई बचा नहीं, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे और मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो 0 आएगा, राइट। अब हम इसका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, तो अब प्रोडक्ट का टोटल करोगे वो आएगा 6600। और ये तो वही है, हर मंथ 100 रुपये, तो साल का कितना हो गया, 1200। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था वो सेम ही रहेगा। तो
इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। अब प्रोडक्ट इसका टोटल कितना है 6600, रेट कितना है 12%, ये मैंने अपने से लिया है, कुछ भी हो सकता है, इनटू 1/12 कैंसिल हो गए, ये दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 66। तो ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है आपके दिमाग में कि अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई पूरे साल ही ड्राइंग्स करे, हो सकता है कोई 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ करे, कोई 8 महीने तक की विड्रॉ करे। तो सिंपल आपने अगर मान लो किसी ने 10 महीने ही पैसा विड्रॉ किया है तो आपको 10 महीने यहाँ से देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी आपने यहाँ से बनाना है। समझ आ गई बात मेरी? अगर मान लो किसी ने 9 महीने से शुरू किया तो आपने ये लास्ट के 9, तो यहीं से आप काउंट करके लास्ट के 9 महीने, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पूरे साल ही ड्राइंग्स करे, कोई 6 महीने भी कर सकता है, 4 महीने भी कर सकता है, तो हमेशा लास्ट के लेने हैं, उसके हिसाब से आपने ये टेबल बनाना है, राइट। अच्छा, ये मैंने एक मेथड से सिखाया कि जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, दूसरा मैंने कहा था शॉर्टकट मेथड या सिंपल मेथड। इस केस में क्या करना है, मैंने कहा था टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या बनाना है, एवरेज पीरियड। और वो मैंने कैसे कहा था कैसे बनाना है, सिंपली आपने पहला और आखिरी मंथ लेना है। एवरेज का मतलब है सेंट्रल पॉइंट निकालना, आपने मिड पॉइंट निकालना है ना। तो मिड पॉइंट कैसे बनेगा, इसका और इसका बीच का, वो कैसे, हम पहला, तो फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने महीने बचे थे, 11, और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितने महीने बचे हैं, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। क्लियर है? आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता किसी कारण से, सिंपल आप ये कर लो कि पहला और आखिरी मंथ उनको ऐड करो। अब क्योंकि एवरेज कैसे करते हैं, हम जितनी टर्म्स हमने ऐड की उसके साथ डिवाइड करना है, मिड पॉइंट तो वैसे ही निकलेगा ना, तो हमने 2 टर्म्स ऐड की तो आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 5.5। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वो थोड़ा सा मैंने कहा था चेंज है। इसमें फॉर्मूला रहता है अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट इनटू रेट इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। तो करिए, अमाउंट का टोटल देना आपने कितना है 1200, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो मैंने अपने से लिया हुआ है 12%, इनटू एवरेज पीरियड हमने ये निकाला कितना है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइड कर लो, 12 को 5.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 66। तो गाइस, इसमें ये तो मैंने वो केस बताया जिसमें कि पूरे साल के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ करे तो आपने ऐसे करना है। एक फॉर्मूला आपका आ गया प्रोडक्ट मेथड और दूसरा आ गया सिंपल मेथड। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पूरे 12 महीने के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए भी कर सकता है, कोई 8 महीने के लिए भी कर सकता है। तो सिंपल है ना भाई, अगर 6 महीने के लिए तो ले लो ना लास्ट के 6 महीने, यहाँ से देख लो लास्ट के 6 मंथ, ये छोड़ दो आप, इस हिस्से को छोड़ दो आप, ये हिस्सा आप छोड़ दो, आपको लास्ट के 6 मंथ लेने हैं तो ये लास्ट के 6 मंथ हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी का यहाँ से नीचे टोटल कर लो और फिर वही फॉर्मूला लगा लो। और जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया सिंपल मेथड, उसमें भी यही करना है, उसमें भी अगर लास्ट के 6 महीने हैं तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, फर्स्ट ड्राइंग तो ये है ना, और लास्ट ड्राइंग 0, तो 5+0 होगा। ये क्लियर हो गया? अब ना कई टीचर्स मैंने देखे हैं कि वो सिखा रहे हैं कि अरे यार ये फॉर्मूला लगाना है तो अगर फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है तो 12+1 करो, अगर लास्ट डेट है तो 12-1 करो। भाई ऐसा नहीं है, हमेशा 12+1, 12-1, अगर वो मैं भी सिखा सकता था कि सिंपल यार फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है तो 12+1 करो और लास्ट डेट है तो 12-1 करो, तो 12-1 वही 11 ही आएगा, बट ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। रीज़न क्या है
कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये तब अप्लाई होगा जब कोई पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग्स करता है। अगर मान लो किसी ने 6 महीने के लिए ड्रॉ किया पैसा, 6 महीने के लिए पैसा निकाला है, तो आपके 6 महीने ये है ना, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 5। तब 12 से करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए 12+1 काफ़ी सारे टीचर सिखाते हैं, 12+1, 12-1 वो आपने नहीं करना है। सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले से करोगे, कभी गलती नहीं होगी। अगर मान लो कहीं आपको ये भूल जाता, सिंपल पहला और आखिरी मंथ याद करो, और चाहे फिर 12 महीने हों, 10 महीने हों, 8 हों, 7 हों, 6 हों, कुछ भी हों, पहला और आखिरी मंथ आपने मिड वैल्यू निकालनी है। तो पहला और आखिरी मंथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आप वो मिड वैल्यू निकालोगे। तो बाकी आपने वैसे ही कर रहा है, तो अमाउंट भी 6 महीने का कितना हो जाएगा, 600। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट करना। अब जैसे मर्जी आपको क्वेश्चन आए कि किसी ने 12 महीने के लिए निकाला या 10 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, अपने फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, 12 महीने के लिए पूरा, अगर 10 महीने के लिए तो लास्ट के ये 10 महीने लेने हैं, 6 महीने के लिए तो लास्ट के ये 6 महीने लेने हैं, और ये फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली लगाना है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो आपका आपने सॉल्व किया है उसके हिसाब से देख लेना है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सेकेंड केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। चलिए जी, अब इसमें जैसे मैंने कहा कि पहला केस मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में कि इफ़ अमाउंट इज़ विदड्रॉन ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, अब मैंने करवाया इफ़ द अमाउंट इज़ विदड्रॉन ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। पहली डेट भी हो गई, लास्ट डेट भी हो गई। अब आते हैं मिडिल में कि अगर मंथ के मिडिल में कोई पैसा विदड्रॉ करे उस केस में हमें कैसे निकालना है। चलिए जी, इसको चेंज करते हैं। So if amount is withdrawn in the middle of every month, अब month की middle में example ले लेता हूँ मैं, एक x withdrew rupees 200 per month in the middle of every month at the rate of 12% per annum, कि एक्स ने हर महीने की मिडल को बीच में पैसा विड्रॉ किया। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। सेम आपने वही टेबल बनाना है, डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट, सेम टेबल बना लिया। अब मिडल है, अगर अगेन मान लो मैं कैलेंडर ईयर लेके चलता हूँ तो फर्स्ट मंथ आता है जनवरी, और जनवरी का मिडिल क्या होगा, जनवरी का मिडिल होगा अप्रॉक्सीमेटली 15 जैन, ठीक है, 31 दिन होते हैं तो 15 मिडिल, आप 15 ले लोगे मिडिल, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। चलिए जी, अमाउंट कितना विड्रॉ किया, 200। अब मेन चीज़ मंथ्स कितने बचे, देखो बेटा साल में कितने महीने होते, 12 ही होते हैं। ये कब विड्रॉ कर रहा है, 15 जैन, यानी आधा महीना निकल चुका है, तो 12 में से आधा निकाल दो तो सिंपल कितने महीने बचेंगे, 11.5, यानी 15 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बचे, 11.5 महीने, क्योंकि आधा महीना निकल चुका है। बाकी चीज़ वही है, प्रोडक्ट का मैंने बताया था, अमाउंट इनटू मंथ कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2300, राइट। फिर अगली ड्राइंग कब होगी, 14 फरवरी, अगर फरवरी में 28 दिन है तो 14 फरवरी। अमाउंट कितना, 200, महीना एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो आ गया 2100। फिर 15 मार्च, 200 कितने महीने बचे, 9.5, कितना हो गया, 1900। फिर 15 अप्रैल, 200 महीने कितने बचे, 8.5, मल्टीप्लाई करके 1700। 15 मई, 200 कितने मंथ्स बचे, 7.5, 1500। फिर 15 जून, 6.5, 1300। फिर 15 जुलाई, 5.5। फिर 15 अगस्त, 4.5।
फिर 15 सितंबर 3.5 700, फिर 15 अक्टूबर 200, महीने बचे 2.5 500, फिर 15 नवंबर 200, महीने बचे 1.5, ये हो गया 300, और फिर 15 दिसंबर, अब कितना महीना बचा, आधा महीना, हाफ मंथ यानी 0.5, तो मल्टीप्लाई करके 100, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, फिर से वही कहानी है कि टोटल करो प्रोडक्ट का, ये टोटल आएगा 14,400 और ये टोटल 200 रुपये हर महीने, 12 महीने का सिंपल है, 2400 हो जाएगा, क्लियर हो गया। फिर से वैसे ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट मेथड में मैंने क्या फॉर्मूला दिखाया था आपको, इंटरेस्ट का निकालने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, क्लियर है। चलिए प्रोडक्ट का टोटल देखते हैं, 14,400 यहां से ले लिया हमने, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगेन मैंने 12% ही लिया है, इंटू 1/12 कट गए, ये 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 144, सिंपल। और दूसरा मेथड, जो सिंपल मेथड या शॉर्टकट मेथड है, अगर सिंपल मेथड से करना है तो फॉर्मूला तो भाई वही रहेगा जो मैंने पहले भी दिखाया आपको। क्या फॉर्मूला दिखाया मैंने, एवरेज पीरियड हमने कैसे बनाना है, क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे इन दोनों की मिड वैल्यू, सिंपल पहला और आखिरी मंथ ऐड करना है, कर लिया भाई ऐड, देखो 11.5 प्लस 0.5, और क्योंकि हमने दो टर्म्स ऐड की हैं तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 के साथ डिवाइड करके, ये टोटल आ गया 12 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 6 मंथ्स, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें इंटरेस्ट का मैंने कहा था कि फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट की जगह हम क्या लेंगे, अमाउंट इंटू, रेट तो वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, साथ में मैंने बताया था क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड बाय 12। तो चलिए करते हैं सोल्व, अमाउंट का टोटल यहाँ से देख लो कितना टोटल है, 2400, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मैंने अपने से अज्यूम किया हुआ है 12%, इंटू एवरेज पीरियड 6/12, क्लियर है। ये दोनों कट गए आपस में, ये इसके साथ कट गया, 6 4 24, 6 2 12 13 14 144, सेम आंसर बेटा। अगेन इसमें वही कहानी है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई 12 महीने के लिए वो पूरा पैसा विड्रॉ करे, हर महीने विड्रॉ ही करे हर 12 महीने के लिए, कम के लिए भी कर सकता है। तो इसमें अगेन वही कहानी है कि अगर मान लो किसी ने 10 महीने के लिए विड्रॉ किया तो ये लास्ट के 10 महीने ले लेने हैं आपने, ठीक है। अगर 6 महीने के लिए किया तो ये लास्ट के 6 महीने ले लेने हैं आपने, ठीक है ना। अगर 10 महीने के लिए किया तो लास्ट के 10 महीने, ये तो यहाँ से आपने टोटल यहाँ तक करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल, और जो जो भी आएगा फॉर्मूला आपका वही रहेगा। और अगर आपने सिंपल मेथड से करना है, एवरेज पीरियड मेथड से, तब भी आपका ये तो यही रहेगा आपका, यहाँ से यहाँ आपने जो फर्स्ट और लास्ट मंथ आपका आएगा वो ये और ये आएगा, यानी 9.5 प्लस 0.5, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कि आपने जब ड्राइंग पहली बार की, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे 12 महीने के लिए की, जब भी की आपने वो मंथ और लास्ट वाला मंथ ही ऐड करना है, लास्ट तो यही रहेगा, ये मंथ चेंज होगा जब आप ड्राइंग्स अलग अलग मंथ्स को करोगे, तो दोनों से फिर आपका आंसर सेम आएगा, ये क्लियर हो गया। तो अब आपने आज ऐसा करना है कि जितना मैंने आपको करवाया है ऐसे आप, ये तो मैंने करवा दिया, अब आप कोई क्वेश्चन ट्राई करना जिसमें आप लास्ट के 8 मंथ ले रहे हो या 6 मंथ्स ले रहे हो या 11 मंथ्स ले रहे हो, तो फिर दोनों मेथड से ट्राई करना, अगर दोनों मेथड से आपका वही आंसर निकलता है तो इट मीन्स कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमने 3 कर लिए कि अमाउंट विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, दूसरा मैंने दिखाया कि अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जो आज मैंने दिखाया, और अमाउंट विड्रॉन इन द मिडल ऑफ
ईच मंथ, वो भी मैंने आज आपको दिखा दिए। तो तीन केस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इन तीनों केसेस के आप क्वेश्चंस खुद ही बनाओ, खुद ही प्रैक्टिस करो, आपके पास बुक भी होगी। मैं जो भी करवाऊंगा वो टीएस ग्रेवाल की बुक से करवाऊंगा आगे जब मैं क्वेश्चंस लूंगा, अभी तो मैं खुद से करवा रहा हूं। जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तो वो मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से लूंगा, अगर आपके पास वो बुक है। नहीं है तो कोई और बुक भी होगी, मेथड तो वही रहता है, फिगर्स चेंज होती हैं। तो आपने खुद ट्राई करने हैं या खुद से क्वेश्चन बना के, कि किसी ने लास्ट 10 मंथ्स के लिए निकाला या 6 मंथ्स के लिए निकाला, तो आपने खुद ट्राई करना और दोनों मेथड से निकालना है। एग्ज़ाम में आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि इस मेथड से निकालो, वो पूछेंगे कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो जैसा आपने, अगर आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगा तो आप इस मेथड से करो, अगर ये ज़्यादा इजी लगा तो इस मेथड से करो। दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, करना किसी एक मेथड से ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको यहीं पे ये लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आगे कुछ केसेस लेके आऊँगा, वो आपको मैं सिखाऊँगा। तब तक आप ये स्टडी करिए, पढ़िए इसको, और अगर कोई आपको कोई समझ नहीं आई है तो कमेंट में डालिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो के लिए मैं जब भी बनाऊँगा अपलोड करूँगा, आप देखना उसको, और कोई भी अगर आपको क्वेरीज होगी तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।